दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पर प्रदूषण लेवल ज्यादा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर एयर प्यूरिफायर होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अगर आप नया एयर प्यूरिफायर लेना चाहते हैं या फिर आप पहले से ले चुके हैं, तो आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर एयर प्यूरिफायर होते क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अगर आप इसी बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एयर प्यूरिफायर आखिर होता क्या है। एयर प्यूरिफायर एक ऐसी मशीन है जो हवा को साफ करती है, ये एयर प्यूरिफायर का काम होता है। बात करते हैं एयर प्यूरिफायर काम कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कई सारे एयर प्यूरिफायर के अंदर फैन लगे होते हैं, वो फैन हवा को उसके अंदर पुश करते हैं। उसके अंदर कई सारे फिल्टर लगे होते हैं, जैसे कि यूवी फिल्टर्स, साथ ही साथ उसके अंदर कार्बन फिल्टर लगे होते हैं और कई सारे IR, कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं। इन सारे फिल्टर्स और सेंसर्स के कारण हवा फिल्टर होती है। साथ ही साथ उसमें कई से अलग तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे कि वो हवा को गर्म करते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर जो हवा को गुजारने के लिए जो उसमें आगे प्लेट लगी होती है वो इतनी महीन होती है कि उसके अंदर से कई सारे हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर से नहीं गुजर पाते, मगर हवा उसके अंदर से आसानी से गुजर जाती है। इससे आपकी हवा प्यूरिफाई होती है। साथ ही साथ कई अलग सेंसर होते हैं जो आपको कमरे के एयर प्यूरिफायर के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि कमरे में पहले स्टार्ट करने से पहले इसमें कमरे में इतनी प्रदूषण था, मगर अब ये इतना साफ हो चुका है, ये भी बताते हैं। साथ ही साथ ये आपको हवा के में मौजूद और कई सारे तत्वों के बारे में भी बताते हैं कि इसमें ये है, इसमें इतनी चीज की कमी है, ये ऐसे है। कई सारे जो स्मार्ट भी होते हैं जो गूगल होम या फिर किसी अमेजोन के स्मार्ट सपोर्ट के साथ भी आते हैं, ये होते हैं एयर प्यूरिफायर में। जो भी आपको पता चल चुका होगा कि एयर प्यूरिफायर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।